राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपके समक्ष वट सावित्री व्रत कथा पूजा विधि व महात्म्य लेकर आए हैं। यह व्रत जेठ माह की अमावस्या को किया जाता है। इस वर्ष यह 30 मई दिन सोमवार को व्रत किया जाएगा। सोमवार की अमावस्या होने से इस व्रत की महत्वता और भी अधिक बढ़ जाती है। सोमवती अमावस्या और वट सावित्री व्रत एक ही दिन है, अतः इस दिन पति की दीर्घ आयु के साथ साथ पितरों को भी तृप्त करने का अवसर है। यह दिन स्त्रियों के लिए अत्यधिक महत्व रखता है। इस दिन श्रद्धा और भक्ति के साथ जो भी स्त्री व्रत करती है उसका सुहाग अचल रहता है। इसी व्रत के प्रभाव से सावित्री ने अपने पति को यमराज से पुनः जीवन दान प्राप्त किया था। इस दिन प्रातः नित्य क्रिया से निवृत्त होकर वट वृक्ष के नीचे मिट्टी के बने सावित्री सत्यवान व भैंसे पर सवार यमराज की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। वट वृक्ष की जड़ को जल से सींचना चाहिए। इस दिन रोली मोली कच्चा सूत वट वृक्ष के तने से लपेटकर वट वृक्ष की 3 परिक्रमा लगाएं। वट वृक्ष के नीचे बैठकर यमराज सहित वट वृक्ष की पूजा करें व कथा श्रवण करें। इस व्रत में बायने के रूप में भींगे हुए चने का बायना निकालकर उस पर यथाशक्ति दक्षिणा रखकर परिवार की किसी भी बड़ी बूढ़ी स्त्री को दे सकते हैं। यदि घर में सास है तो ये बायना उन्हें दे दें। यदि आपकी बहन बेटी या ननद पास के ही गांव में ससुराल है तो यह बायना ननद या बेटी के यहाँ अवश्य भिजवाएं। आइए अब हम आपको नारी शक्ति की ऐसी गाथा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर देवता भी नतमस्तक हो गए। प्राचीन काल में मद्र देश में अशुपति नाम के राजा राज्य करते थे। वे स्वभाव से दयालु और प्रजापालक राजा थे। उन्हीं के समान राजा अशुपति की एक पुत्री थी जिसका नाम सावित्री था। एक बार अशुपति ने अपनी पुत्री को देखा कि अब मेरी पुत्री विवाह योग्य हो गई है तो मुझे इस कन्या का विवाह कर देना चाहिए। यही सोचकर अशुपति ने उसके लिए योग वर को तलाश करना आरंभ कर दिया। वैसे भी हमारे शास्त्रों में वर्णित है, जो पिता कन्या विवाह योग्य हो जाने पर उसके विवाह की चिंता नहीं करता, वह पिता सर्वदा अभ्यस का अधिकारी होता है। इसलिए अशुपति ने अपनी कन्या सावित्री से कहा, आप चारों दिशाओं में जाकर अपने लिए उत्तम वर की तलाश करो और मुझे बताओ, जिससे मैं तुम्हारा कन्यादान कर पुत्री ऋण से मुक्त हो जाऊं। पिता की आज्ञा को सिर पर धारण कर अपने योग्य वर की तलाश में सावित्री निकल जाती है और भ्रमण करते करते एक ऐसे वन को देखती है। उस वन में एक कुटिया बनी हुई थी। उस कुटिया में एक तेजस्वी युवक अपने अंधे माता पिता के साथ रहता है। उस युवक को देखकर सावित्री इतनी प्रभावित हुई कि उसने अपने मन में निश्चय कर लिया कि यही मेरे लिए योग वर होगा। तभी अशुपति को पता चलता है सावित्री अपने भावी पति के साथ नगर में प्रवेश कर चुकी है। उसी समय नारद जी भ्रमण करते हुए राजा अशुपति के दरबार में पहुंचते हैं। अशुपति महर्षि नारद जी का आदर सत्कार करते हैं। तभी वहां दरबार में सावित्री आ जाती है और अपने पिता तथा नारद जी को प्रणाम करती है। जब उसके पिता पुत्री से योग वर के विषय में पूछते हैं तो सावित्री कहती है, सत्यवान साल्व देश के राजा दुम्मत सेन के पुत्र हैं। उनका राज्य और वैभव सब कुछ जाता रहा और वो वन में अपने अंधे माता पिता के साथ निवास करते हैं। मैंने उन्हें वर के रूप में स्वीकार कर लिया है। जब अशुपति महर्षि नारद से अपनी पुत्री को आशीर्वाद देने के लिए कहते हैं तो नारद जी राजा से कहते हैं, हे राजन, सत्यवान रूपवान तथा गुणवान होने के साथ साथ अल्प आयु वाला है। इसकी उम्र सिर्फ 1 वर्ष है। महाराज,
यह सुनकर बहुत दुखी हो जाते हैं और सावित्री से अपना निर्णय बदलने का आग्रह करते हैं। लेकिन सावित्री अपने निर्णय पर दृढ़ रहती है और अपने पिता से कहती है, आर्य कन्याएं अपना वर सिर्फ एक बार ही चुनती हैं और मैंने सत्यवान को वर के रूप में चुन लिया है, अतः मेरा निर्णय अटल है। राजा अशुपति अपनी पुत्री का विवाह सत्यवान के साथ कर देते हैं। सावित्री को कल्याण होने का आशीर्वाद देकर नारद जी प्रस्थान कर जाते हैं। सावित्री खुशी खुशी अपने पति के साथ जीवन व्यतीत करने लगती है, मगर सावित्री हर दिन गिन गिन कर काट रही थी। एक वर्ष अब व्यतीत होने वाला था। नारद जी के कहे हुए शब्द सावित्री के कानों में गूंज रहे थे। एक वर्ष पूरे होने से 3 दिन पहले सावित्री व्रत करना आरंभ कर देती है। जब मृत्यु का समय आया तब सावित्री ने सत्यवान के साथ जंगल में लकड़ी ले जाने के लिए आग्रह करती है। सत्यवान उसे बहुत समझाता है, 3 दिन से तुमने उपवास कर रखा है अतः तुम कमजोर हो गई हो। वन का मार्ग पथरीला है अतः तुम यहीं रुको, मैं शीघ्र ही लकड़ी काट कर लौट आऊंगा। लेकिन सावित्री अपने सास ससुर की आज्ञा ले सत्यवान के साथ जंगल में लकड़ी काटने चल देती है और जंगल जाकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक वृक्ष पर चढ़ जाता है। थोड़ी ही देर में सत्यवान की तबीयत खराब होने लगती है और सावित्री को नारद जी की भविष्यवाणी का स्मरण हो जाता है। तभी अपने पतिव्रत धर्म के कारण सावित्री को एक देव पुरुष दिखाई देते हैं। सावित्री को समझने में देर न लगी और सावित्री हाथ जोड़कर धर्मराज से बोली, आप कौन हो? तब यमराज बोले, मैं धर्मराज हूँ और तेरे पति के प्राण हरने आया हूँ। तुम एक पतिव्रता नारी हो, मेरे दूत तुम्हारा तेज सहन नहीं कर सके और यहाँ से लौट गए, अतः मुझे यहाँ आना पड़ा। यमराज यह कहकर सत्यवान के प्राण लेकर दक्षिण दिशा की ओर चल देते हैं। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल देती है। यमराज ने सावित्री को बहुत समझाया पर सावित्री नहीं मानी। तब यमराज बोले, जिसकी उम्र फूड हो जाती है उसे इस संसार से जाना ही पड़ता है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए एक वर मांग सकती हो अपने पति के प्राणों को छोड़कर। इस पर सावित्री बोली, हे देव, मेरे लिए मेरे पति ही सब कुछ हैं, लेकिन आप वरदान देना ही चाहते हो तो मुझे ऐसा वर दीजिए कि मेरे सास ससुर एक बार फिर अपने नेत्रों से इस संसार को देख सकें। यमराज तथास्तु कहकर आगे चल देते हैं, लेकिन सावित्री पुनः उनके पीछे पीछे चलती रहती है। जब यमराज पीछे मुड़कर देखते हैं तो सावित्री पुनः चली आ रही है। वह सावित्री से कहते हैं, मैं यह बात अच्छी तरह जानता हूँ, तू एक पतिव्रता नारी है और तेरा संकल्प दृढ़ है, इसलिए मैं तुझसे काफी प्रभावित हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अतिरिक्त वर देना चाहता हूँ। पति के प्राणों को छोड़कर कुछ भी मांग सकती हो। इस बार सावित्री बोली, मेरा निर्णय दृढ़ है, जहाँ पति वही पत्नी, यही धर्म है और यही मर्यादा है। पति से बढ़कर इस संसार में कुछ भी नहीं, परंतु यदि आप वर देना चाहते हैं तो मेरे ससुर का राज्य पुनः वापस मिल जाए। सावित्री के वचन को सुनकर यमराज तथास्तु कहते हैं और पुनः आगे बढ़ जाते हैं। सावित्री फिर भी नहीं लौटती और यमराज के पीछे पीछे चलती रहती है। इस प्रकार यमराज सावित्री से कहते हैं, अब यमलोक आ चुका है अतः लौट जाओ। कोई भी जीवित अवस्था में पृथ्वीवासी यमलोक नहीं आ जा सकता, लेकिन तुमने तो वो कर दिखाया जो आज तक कोई भी नहीं कर पाया, इसलिए आने वाला युग तुम्हें हमेशा याद रखेगा। हे बेटी, तूने स्वयं के लिए कुछ भी नहीं मांगा, इसलिए जाने से पहले मैं तुझे एक बार और देना चाहता हूँ, लेकिन मेरी शर्त वही है, तू अपने पति के प्राणों के बदले कुछ भी मांग सकती है, मैं तुझे निराश नहीं करूँगा। तब सावित्री यमराज से बोली, हे देव, यदि आप मुझे वर देना ही चाहते हो तो मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं एक नहीं बल्कि 100 पुत्रों की मां बन सकूं। इस प्रकार यमराज सावित्री को तीसरा वर भी दे देते हैं, परंतु सावित्री यमराज से कहती है, बिना पति के संतान कैसे होगी? वचन
में बंधे यमराज सत्यवान के प्राणों को अपने फास से मुक्त कर देते हैं। इस प्रकार सावित्री सत्यवान के प्राणों को यमराज से छुड़ाकर आशीर्वाद लेकर अपने घर चली आती है। दर्शकों, इस कथा का वर्णन हजारों वर्ष पूर्व मार्कंडे के मुख से युधिष्ठिर ने सुना था। इसका उल्लेख महाभारत के वन पर्व में मिलता है। तो दर्शकों, आप समझ ही गए होंगे कि एक पतिव्रता स्त्री के आगे यमराज को भी झुकना पड़ा। ये थी हमारी आज की प्रस्तुति। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।